हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माता दी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शुभ पहाड़ी ब्लॉगर। तो आई होप आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ गाइस। और अभी जो है 7 बज चुके हैं सुबह के, और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ घर के पास खेत में, क्योंकि अभी खेत खोदने को रह गया है एक। तो हस्बैंड जी आगे चले गए हैं और मैं जा रही हूँ पीछे से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ गाइस थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने मच्छर बीजे हैं और हो भी गए हैं, ये देखिए और दिखने भी है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ठंडा बहुत ज़्यादा है गाइस। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी खोद रहे थे खेत, मेरे अंत तक इतना खोद दिया था, और पीछे से आ गई थी छोटी चूजी। आप पीछे देखिए, अभी भाग रही थी डर के मारे, और मैं भी लगी थी, फिर फ़ोन को एक जगह पे रख दिया था। और ठंड बहुत थी, सुबह पाला बहुत पड़ा था, तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो हस्बैंड जी तो चप्पल लगा के ही लगे थे, बट मैंने तो जूते डाले थे। और पत्थर बहुत ज़्यादा है इस खेत में, अभी एक दो बारी खोदा इसको तो पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब तो हमने गमले में डाल दी थी गाइस यहाँ से मिट्टी। तो इसके बाद हमने खोदने के बाद जो है लकड़ी ढोई, पीछे दिख रही है आलू के पास, तो ये लकड़ी पूरी हमने स्टोर करके रख दी ठंडे के लिए। और फिर उसके बाद जो है हमने, तो आज फिर से आ गया हस्बैंड वीडियो में। तो सुबह सुबह काम करने का टाइम एक तो होता नहीं हस्बैंड जी के पास, सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए बोलना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि अकेले कहाँ कहाँ पे हो ना। तो यहाँ पे मैं देखिए पीछे आ गई थी ये महारानी। तो इसी तरह से हमने खोदा, अभी मैं इसमें लगाऊंगी धनिया, बट देखते हैं धनिया कब लगाते हैं, क्योंकि आज मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, और थोड़ी सी बारिश भी हुई, वो मैं क्लिप नहीं ऐड कर सकी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे मैं भर रही हूँ घास, और दीदी आ रही है नीचे से, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा दिख रहा है, और गेहूँ भी उग गए हैं अच्छे से, ये देखिए दीदी आ गई। अब इसके ऊपर ये घास भरेंगे, तो चलिए भरते हैं फटाफट से। तो यहाँ से जो है पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था फ्रेंड, क्योंकि अभी शाम का टाइम था। ये पहले दिन की क्लिप थी गाइज, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। तो गाइज़ पीछे पेड़ों में अभी घास रह गया है लोगों का लेने के लिए, और दीदी यहाँ पे भर रही थी घास, और दूसरी तरफ मैंने भरा था तो मुझे कम हुआ था, तो मैंने दूसरी जगह जा कर फिर और डाला इसके ऊपर। तो दीदी का बोझा तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ था। तो चढ़ाई थी यहाँ से ऊपर को चढ़ने के लिए, सड़क के पास जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब भारी लग रहा था जब हम गए घर के लिए। तो यहाँ से गांव भी दिख रहा है नीचे वाला, तो ये है घलरान, और साथ में दिख रही थी यहाँ से दुल की रोपी जहाँ पे हमारे गेहूँ वगैरह भिजे हैं, और बीड़ के पेड़, ये हमारे अपने हैं खेत मतलब। और ये देखिए गाइस, ये चलते चलते क्लिप ऐड की है, और ये गलरान गांव है, मेरी सासू जी के मायके वाले हैं ये भी। और यहाँ पे था पाजे का पेड़, और ये देखिए दीदी आ रही थी नीचे से, और यहाँ से दुल की रोपी भी बहुत अच्छी दिख रही थी, हरे भरे खेत।
और यहाँ पे लगाए थे फ्लावर्स वगैरह दीदी ने। ये दीदी दीदी का घर है, अंजू दीदी है एक, उनका घर है ये। और अभी हम सड़क के पास पहुँचने वाले थे तो ये देखिए हम पहुँच गए थे सड़क के पास। और ये मैंने चलते चलते क्लिप ऐड की थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो घास लाना पड़ा, क्योंकि पशुओं को देने के लिए तो घास चाहिए था। यहाँ पे बैठे थे हम रेस्ट करने और दीदी जा रही थी आगे आगे और मैं जा रही थी थोड़े से पीछे। और 5:30 बजे का टाइम था गाइस। अभी हम पहुँचने वाले थे मंदिर के पास, देखिए दिख भी रहा था मंदिर यहाँ से। ये देखिए मंदिर का व्यू और पीछे हमारे पुराने घर। बहुत सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ पे, स्नान घर और साथ में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। तो गाइस आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं आज अकेली हूँ। तो अकेली किस लिए हूँ, क्योंकि बच्चे हैं अपनी ताई जी के घर, क्योंकि उनकी ताई जी का बर्थडे है तो वो बोलते कि हमने वहाँ पे ही रहना है। तो मेरी मम्मी जी भी चले गए अपने घर, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड, कभी कभी तो लगता है कि हम लड़कियाँ कितनी बदनसीब होती है जो अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं मतलब। तो कभी कभी जो है अपने माँ बाप से मिलना, और अभी अभी आए नहीं है तो मैं चूल्हे के पास अकेली देखी आग सेक रही हूँ खाना बना के। तो और क्या कर सकती हूँ, और गाइस ये है, ये भी पिछली वीडियो है दिन की। और यहाँ पे एक कैट है ये, और मतलब पालतू है ये, बट हमने नहीं पाली है, पता नहीं किसने पाली थी और फिर इसको मतलब फेंक दिया है। तो ये डरती नहीं है हमसे, और हम बिस्कुट दूध देते हैं तो ये खा लेती है, सूखी रोटी नहीं खाती है ये। ये भी बहुत ख़तरनाक है, और मुझे ऐसे सब पे सभी जानवरों पे मतलब प्यार आता है। ये बेजुबान होते हैं, इनका कोई कसूर नहीं होता है गाइस। तो मुझे डॉग हो या फिर कैट हो मतलब सबसे प्यार है, या फिर पशु हो या फिर बकरी के बच्चे भेड़ों के बच्चे, तो मुझे सबसे प्यार है मतलब। मुझे देखिए कैसे खा रही थी, अपना अपना पेट तो सबने भरना है। इसी पेट के लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं ना इसी के साथ भी वीडियो भी फिनिश कर रही हूँ।